वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम एट जनवरी का द हिंदू पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हमें कौन कौन सा पढ़ना है आज हम सिर्फ साइंस एंड टेक का डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे है अ क्लियर पिक्चर ऑफ़ हाउ मरकरी बिकम अ सुपर कंडक्टर ये हमें पढ़ना है कि अ क्लियर पिक्चर ऑफ़ हाउ मरकरी बिकम अ सुपर कंडक्टर इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है इन नाइनटीन ठीक है 1911 में डच फिजिसिस्ट थे हेक उन्होंने डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी क्या डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी और उन्होंने क्या पाया ही फाउंड दैट अ वेरी लो टेम्परेचर कॉल्ड थ्रेसोल्ड टेम्परेचर बहुत ही कम टेम्परेचर था जिसको कहते हैं थ्रेसोल्ड टेम्परेचर सॉलिड मरकरी ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इसमें है बी थ्योरी साइंटिस्ट लेटर क्लासीफाइड मरकरी एज अ कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर उसने फिर साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया मरकरी को कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर के तौर पर बिकॉज इस सुपर प्रोडक्टिविटी कुड बी एक्सप्लेन बाई कॉन्सेप्ट ऑफ बर्दीन बर्दीन कूपर ठीक है स्टीफर्स ठीक है इसको बी सी एस थ्योरी कहते हैं तो ये देख लेना कि क्या है ये वाई साइंटिस्ट हैव यूज द बी सी एस थ्योरी टू एक्सप्लेन साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया बी थ्योरी को यूज़ किया सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस मटेरियल में ठीक है और उन्होंने क्या बताया कि ओल्डेस्ट सुपर uh, की द ओल्डेस्ट सुपर फुल नेवर फुली अंडरस्टूड हाउ इट्स ऑपरेटिंग मरकरी ठीक है और ये ओल्डेस्ट सुपर कंडक्टर के तौर पर इसको देखा गया अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर फ्रॉम इटली रिसेंटली सेट आउट टू फिल दिस गैप एज दे रूट इन दर नवंबर थ्री पेपर इन जन तो मतलब ये बताया गया कि कहाँ पे रूट किया तो मतलब हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने की ये कन्वेसन सुपर कंडक्टर क्यों है बी सी एस थ्योरी के बारे में हमें जानना एक सुपर कंड सुपर कंडक्टिविटी मरकरी में डिस्कवर की गई डच फिजिसिस्ट जो हैं नाइनटीन इलेवन में उनके द्वारा ठीक है अब स्टेट ऑफ द आर्ट थ्योरिटिकल एंड कंप्यूटेशनल अप्रोच एंड फाउंड दैट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज रेलिवेंट फॉर कन्वेल सुपर कंडक्टिविटी ठीक है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रेलिवेंट फॉर कन्वेन्शनल सुपर कंडक्टिविटी तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है इन बी सी एस सुपर इन बी सी एस सुपर कन्डक्टर वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज बाई ग्रिड ऑफ एटम इनकरू पेयर अप फॉर्मिंग सो कॉल्ड कूपर पेयर तो ये जानना है कूपर पेयर के बारे में अब यहाँ पे देखो ये हम जान लिया हमने किसके बारे में सुपर कंडक्टिविटी के बारे में साथ ही साथ हमको कूलम्ब रिपल्सन के बारे में जानना है कि ये क्या है सिमिलरली द ग्रुप फाउंड दैट वन इलेक्ट्रॉन इन ईच पेयर इन मर्करी ऑकोपाइड हायर एनर्जी लेवल देन द अदर तो ये बोल रहे हैं कि इसमें देखा गया जो ग्रुप है जिसमें फाउंड किया गया मतलब पता किया गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है ईज पेयर में मरकरी के साथ वो कपाई करता है हायर एनर्जी लेवल कंपैरिजन अदर की ठीक है uh, मतलब अदर के कंपैरिजन जो अप है वन इलेक्ट्रॉन विद इन ईज पेयर मरकरी के साथ वो हायर एनर्जी लेवल का है ये बता रहे हैं दिस डिटेल रिपोर्टेडली लोअर्ड द कूलम रिपल्सन कूलम रिपल्सन की बात यहाँ पे की जा रही है ये हमको याद रखना है अब रिपल क्या होता है जैसे आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है मतलब अपोजिट ड्रैक्ट्स वो सारी चीज़ें यहाँ बताएगी कि कैसे अट्रैक्ट नहीं करता जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो रिपल्सन है यानी कि रिपेल करता है बिटवीन दम एंडर्चर्ड सुपर कंडक्टिविटी ग्रुप हैज़ एक्सप्लेन हाउ मरकरी बिकम अ सुपर कंडक्टर बिलो इट्स रसोल्ड टेम्परेचर अब यहाँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये एक्सप्लेन किया गया कि मरकरी सुपर कंडक्टर है बिलो इट्स थ्रेसोल्ड टेम्परेचर वो एक सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करता है मतलब बिहेव करता है दिस मैथड फाइंडिंग सजेस्ट दैट वी कूड है एनोमिलस इफेक्ट्स इन अदर मटेरियल लीडिंग टू प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड वंस दैट कैन बी एक्सप्ल फॉर न्यू एंड बेटर रियल वर्ड एप्लीकेशन तो हमको जो जो देखो अब ये है ना पर सब जहाँ जहाँ हाईलाइट हुआ है वो चीजें हमको याद रखनी है बीसीएस थे और के बारे में याद रखनी है डच फिजिसिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी वो याद रखनी है रिपल कूलम रिपल रिपल्सन की बात याद रखनी है ठीक है आगे देखेंगे फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी ये भी पढ़ना है फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा कहा जा रहा है जो फ्लोटिंग सोलर पावर होगा वो क्या करेगा हेल्प करेगा जनरेट करने के लिए मोर इलेक्ट्रिसिटी इसमें कहा जा रहा है कवरिंग टेन परसेंट ऑफ वर्ल्ड हाइड्रो पावर रिजर्वायर विद फ्लोट फ्लोटोवल्टाइक वुड इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इक्वी व इक्वल किसके जो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्यूल्स जो फॉसिल फ्यूल्स प्लांट के द्वारा तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट ही वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोटिंग सोलर पावर होगी वो भी जैसे कि ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जो होती है फॉसिल फ्यूल प्लांट के द्वारा और जो ऑपरेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड अब इसमें बोला जा रहा है कि जो फ्लोटिंग सोलर पैनल है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं देखो बेनिफिट्स की बात की जा रही है फ्लोटिंग सोलर पैनल की तो इसमें क्या है द वाटर कूलिंग इफेक्ट वाटर कूलिंग इफेक्ट क्या करेगा ये मोर इफिशियंट बना देगा कंपैरिजन टू लैंड बेस्ड वन से जो लैंड पे रहते हैं लैंड बेस्ड होते हैं उससे ज़्यादा ये इसके पास वाटर कूलिंग इफेक्ट होगा और ये मोर एफिशिएंटली काम करेगा दे डोंट इंटरफेयर विद डिजर्ट इकोसिस डिज़र्ट इको सिस्टम सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये इंटरफेयर नहीं करेगा डिज़र्ट इको सिस्टम से ठीक है एंड दे कीप प्रीसीस वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग तो इसमें है इवन दो रिजर्व रिज़र्वायर आर्टिफि हाँ इवन दो जो रिजर्व रिज़र्वायर है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और ये दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ ठीक है तो ये चीज़ भी यहाँ पे है जो कि हमें देखो फर्स्ट वाली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पर एक चीज़ और है न्यू स्ट्रक्चर टू हारवेस्ट अनटैब्ड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर न्यू स्ट्रक्चर की कि जरूरत किस चीज के लिए हार्वेस्ट ऑफ़ फ्रेश वाटर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अब अर्थ ओशियन यस रिमेन्स न्यू स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बन कैंप अर्बन ठीक है तो इसमें क्या बताया जा रहा है इलिनियस अर्बन uh, अर्बना uh, जो एक uh, है यूनिवर्सिटी उन्होंने सजेस्ट किया है हार्वेस्टिंग ओशियनिक वाटर वेपर एज अ सोल्यूशन टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन वेरियस लोकेशन ग्लोबली रिसर्चर्स इवेलुएट फोर्टी वाटर स्ट्रेड लोकेशन तो रिसर्चर ने क्या किया है इवेलुएट किया है चौदह वाटर स्ट्रेस्ड लोकेशन को किस चीज़ के लिए फिजिबिलिटी ऑफ हाइपोथिटिकल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग वाटर वेपर एंड कंडेंसिंग इन टू अ फ्रेश वाटर कंडेंस करना किस पे फ्रेश वाटर में ठीक है इसमें एक चीज़ और है आई आई एस सी आर पुणे न्यू मटेरियल रिमूव पोल्यूटन फ्रॉम वाटर तो ये भी हमको पढ़ना है कुछ तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज देखनी थी हम साइंस टेक्स से रिलेटेड आज हमने ज़्यादा देखा साइंस वाला जो पेज आया है उस पर देखा बाकी सारी चीज़ें जो रिपीटेड रहेंगी तो वो हम पूरा देखते जाएंगे पर हाँ आज साइंस से रिलेटेड एक अलग पेज आता है तो उसका हमने सिर्फ आज देखा है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है तो हमने सिर्फ साइंस वाला पेज डिस्कस किया है ओके थैंक यू सो मच